अपन बहुत सारी तो डिमांड तो बाद लेके आए हैं आटो रिक्शा रिक्शा अपन नवा गड्डी खरीद ली हुई है तो तुम आसे पास्यों भी दिखावे तो इन स्टार्ट करके भी दिखावे कि आटो रिक्शा जो कि स्टार्ट होंगे। सब तो पहला वेलकम टू संधू फैमिली ब्लॉग, सत श्रीकाल जी सारियां, होर सुनाओ की हाल चाल है। ईवनिंग का टाइम है 6 बज चुके हैं तो अज आप बिल्कुल डिफरेंट जी तो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो लेके आए हैं। तो जिन्होंने हजे तक मेरा चैनल नहीं सबसक्राइब किया वीडियो देखने तो पहला फटाफट जाके मेरा चैनल सबसक्राइब कर लो। इस तरह दर अनोखे अनोखे व्हीकल्स होर भी फर्दस्ट तुम वीडियो देखने को मिलनगी है। चलो तुम इंट्रोड्यूस कराने आप अपनी नवी गड्डी के नाल जी रिक्शा इंडिया की आन बान से शान आटो रिक्शा। ये वैसे ये जेडे फॉरन च जाते वो इस चीज़ को बहुत मिस करते वो मेरे नाल जरूर रिलेट करेंगे इस गल बारे। तो हूँ आप देखते हैं कि ये गेयर कितने होंगे रेस ब्रेक कितने होंगी है बिच बैठते हैं पिछलियाँ सीटा से तो आप काफ़ी वारी बैठ के ट्रैवल किया बट अज ड्राइवर सीट पर बैठ के देखते हैं। यह है जी रिक्शे का हैंडल, जिस तरह स्कूटर का हैंडल होंगे सेम ही रिक्शे का हैंडल होंगे। तो जी ये ब्रेक है वो फुट के बीच राइट फुट पे ब्रेक है, बाकी लैफ्ट हैंड से गेयर वगैरह दिते हुए है सेम ही स्कूटर वांगू गेयर पेंदे है। एक फस्ट गेयर डाउन बाकी सारे अप क्लच नप के तो इधरले पासे आप रेस दे जानी है जिनी स्पीड से आप चला। वैसे बैठन च काफ़ी कंफर्टेबल है ते स्टार्टिंग यदि पिछों होंगी है उस तरह ही रस्सी खिंच के सैल्फ स्टार्ट नहीं। वैसे अजक सैल्फ स्टार्ट भी आटो रिक्शे आ चुके हैं बैटरी वाले भी आ चुके हैं बट आप जोड़े तो जो रिक्शा शेयर कर लगे वो आप उस तरह ही रस्सी खिंच के स्टार्ट कर वाला तो आप ट्राई करा कि आप स्टार्ट कर पाने नहीं कर पाने। इस टाइम अपना रिक्शा जोड़ा न्यूट्रल से खड़ा कोई गेयर वगैरह ये नहीं है आप न्यूट्रल का लगाया हो। चलो आओ देखते हैं पिछों जाके स्टार्ट, बाकी तुम चार पास्यों भी दिखाने हैं कि किस तरह की यदि लोग आ जी रस्सी पई हुई है इनू आप जोर दी खिंचना तो उस तो बाद स्टार्ट होगा। देखांगे कि अज स्टार्ट होंदा जां नहीं होंदा ट्राई करांगे नॉट श्योर क्योंकि ये आप फस्ट अटैम्प्ट करन लगे हैं। अपना फस्ट अटैम्प्ट आटो रिक्शा स्टार्ट करन दा कभी पहला आप नहीं किया। आ देखो आ पुली लगी हुई अंदर आ फ्यूल टैंक दे थले ते ये रस्सी जिहड़ी है ये आप खिंचनी है तो उस तो बाद स्टार्ट होगा। ये जिन्हें भी पुराने रिक्शे होंगे सी वो इस तरह ही स्टार्ट होंगे सी। पहला जिहड़े पुराने ट्रैक्टर भी आते सी वो भी स्टार्ट इस तरह ही होंगे सी बट वो फ्रंट तो स्टार्ट होंगे सी ये बैक साइड तो स्टार्ट होंगे। चलो हुण आपां ट्राई करके देखते हैं। बहुत ज़्यादा ट्राई की बट ये अपने तो स्टार्ट नहीं होया काफ़ी हार्ड आ स्टार्ट नहीं हों जी पुली है बिच थले लगी हुई वो घूमती नहीं गई काफ़ी अपना आप जोर ला के वेख लिया काफ़ी बड़ी ट्राई करके वेख लिया तो वो अपने तो स्टार्ट नहीं होंगे। हूँ आप जो ऑनर उन्होंने सद के स्टार्ट करके यदि जी आवाज़ है वो तुम जरूर सुनावे बाकी मैं तुम्हें फिर एक बार दस देंगे यदि ब्रेक जी फुट पे फुट जो राइट फुट पे यदि ब्रेक जी लगी हुई है लैफ्ट फुट जो बिल्कुल फ्री है फिर रेस जी यदि हैंड से राइट हैंड पे यदि रेस तो लैफ्ट हैंड से गेयर वगैरह पेंदे फ्रंट नप के तो गेयर पाना
ਗੇਅਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਕੂਟਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ, ਸਕੂਟਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੈਂਡਲ ਹੈ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਐਮ ਆਰ ਓਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਜਨ ਸਾਊਂਡ ਇਹਦੇ ਸਾਊਂਡ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਈਲੈਂਟ ਮੋਡ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਹੁਣ। ਲਓ ਜੀ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਇਹਦੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੰਜਨ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ, ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਬਾਏ।